देखो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रेक्शन पे। किस पे बात कर रहे थे? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें स्पीड भी बता दी हमने कि जो है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इसी स्पीड से चल रहा है तो उसकी इमेज की क्या स्पीड होगी, ये सब भी डिस्कशन हो गया था। ठीक है, अगर वर्ट अगर हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो क्या स्पीड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल अगर चल रहा है तो क्या स्पीड होगी, ये सारी बातें मुझे लगता है मुस्कान हो गई थी ना बेटा। यस सर। अब अनन्या, ये सब चीजें आपको जब फुर्सत मिले तो आप अपने जो है उससे समझ लेना लेक्चर से। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये छूट गया yes, है दिव्यांशु। ठीक है, ये छूट गया है तो अब मैं पीछे जा नहीं रहा। ठीक है, अब चूंकि डिस्कशन हो रहा था क्वेश्चंस पे, हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे, तो एक दो क्वेश्चन मुस्कान और देखते हैं बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं ना इसी पे। ठीक है, यस सर। जेई के क्वेश्चंस हैं, देखो एक जेई का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, लिख लो क्वेश्चन, अगर लिखना हो तो लिखो जल्दी फटाफट। A concave mirror has radius of curvature 40 centimeter. Concave mirror radius of curvature 40 centimeter. A concave mirror has radius of curvature 40 centimeter. 40 centimeter. ठीक है? It is at the bottom of a glass. It is at the bottom of a glass that has water filled up to 5 centimeter. That has water filled up to 5 centimeter. That has water filled up to 5 centimeter. Yes, sir. ठीक है, 5 centimeter. Print मत निकाल, नोट कर ले. If a small particle is floating on the surface of water, if a small particle is floating on the surface of water, its image as seen from directly above the glass. Is at a distance d from the surface of water. Is at a distance d from the surface of water. Full stop. The value of d is close to option A 6.7 centimeter, 13.4 centimeter, eight centimeter, and 11.7 centimeter. Refractive index of water is 4/3. Refractive index of water is 4/3. यहां ऑब्जेक्ट है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी। गुड, ये 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दिया हुआ है
40 सेंटीमीटर ना, 40 सेंटीमीटर। आपने पहले निकालना है क्या? देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराया, जब मैंने ये पढ़ाया था आपको अपरेंट डेप्थ, अपरेंट शिफ्ट, ठीक है, और फिर मैंने पढ़ाया आपको एक्चुअल डेप्थ, मैंने पढ़ाया एक्चुअली में आपको रिफ्रेक्शन का एप्लीकेशन छोटा सा पढ़ाया था। उसमें पढ़ाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, और कितनी नीचे बनेगी, कितना उसकी इमेज शिफ्ट हो जाएगी, या कितना ऊपर आपको दिखाई देगा। मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था कि कोई 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 क्वाइन है, और क्वाइन अगर मान लो ग्लास की पेंदी में पड़ा हुआ है और वो ग्लास पानी से भरा हुआ है, तो आप देखोगे उस क्वाइन को तो वो क्वाइन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ये कहलाता है अपरेंट डेप्थ, सॉरी ये कहलाता है अपरेंट शिफ्ट, और कहां दिखाई देता है सरफेस से ये कहलाता है अपरेंट डेप्थ, और जितना नीचे वो रखा हुआ वो कहलाता है एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। अपरेंट डेप्थ का एक फार्मूला मैंने बताया था कि अपरेंट डेप्थ का फार्मूला है डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, डी अपॉन रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब अगर आप ऊपर से पानी में देख रहे हो तो पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन जो एयर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कशन करा था, कहां से कहां देख रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, कहां देख रहे हो वो डिवाइडेड बाय कहां से देख रहे हो वो, दैट इज रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, वाटर जो है एयर के रेस्पेक्ट में वाटर को देख रहे हो, या एयर के रेस्पेक्ट में वाटर में देख रहे हो, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और अगर वाटर के रेस्पेक्ट में एयर को देख रहे हो तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। इसी पे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे कई सारे, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है और मुस्कान ने सही आंसर दिया इसका। अब आप भी दे सकते हो, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा ये करना है कि भैया ये बताओ ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे, ध्यान से समझना समझ में आ जाएगा, आपको निकाल लेना है कि इसकी एक्चुअल इमेज कहां बनेगी, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज कहां बनेगी, और वही इमेज आपको दिखाई देगा, वो इमेज जो होगा वो आपके लिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले इस शीशे से टकराएगी, और शीशे से टकराएगी तो फिर शीशे से, चूंकि आप यहां हो गए तो शीशे से टकरा के वो आपके पास पहुंचेगी। तो जब शीशे से टकराना इन द सेंस, मतलब ग्लास से टकराना इन द सेंस, पहले ग्लास पे उसकी इमेज बनेगी, तो जो उसकी ग्लास पे इमेज बनेगी ना, जो उसकी ग्लास पे इमेज बनेगी, या जो इसके जो मिरर पे जो इमेज बनेगी, कॉनकेव मिरर पे जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, वही इमेज आपको दिखाई देगी। मेरी बात समझ में आई? जैसे आपके बगल में कोई चीज रखी हो, आप दोनों एक शीशे में देख रहे हो, आपके बगल में या आपके आगे कोई चीज रखी हो और आप प्लेन मिरर पे सामने देख रहे हो, तो आपको वो चीज शीशे में जब दिखाई देती है कि ये चीज कोई शीशे में दिखाई दे रही है, तो एक्चुअल में वो क्या दिखाई देती है, वो जो इमेज उसकी शीशे में बन रही होती है ना, वो आपको दिखाई देती है। नहीं आई बात समझ में? जैसे आपके सामने कुछ रख दिया जाए, आप उसको सामने से नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि उसकी इमेज शीशे में बनी और फिर हमको दिखाई दे रही, तो फिलहाल में इसकी इमेज कहां बनेगी, पहले इस मिरर में बनेगी, और उस मिरर की जो इमेज होगी वो इमेज ही आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा। नहीं आई बात समझ?
इसकी जो इमेज इस मिरर में बने, चूंकि ये मिरर में रखा हुआ, अगर ये मिरर में नहीं रखा होता ना तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम था, लेकिन ये मिरर में रखा गया है, ये इसके नीचे मिरर रखा गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम टफ है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इसका ना समझ लो कि इसमें पानी नहीं है, पहले इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो कि ये शीशे के लिए, इस ग्लास के लिए, इस जो इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। तो अब आप सोचो कि इसका जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसका बताओ फोकस कहाँ होगा, -20 सेंटीमीटर पे, मतलब -20 सेंटीमीटर पे। अब इसका फोकस -20 सेंटीमीटर पे है बच्चे, तो ये बता मेरे बच्चे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए कहां पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। अरे यार कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या कहानी पढ़ते हो आप, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो उसकी इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनेगी मेरे बच्चे तो बताना वी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव। ध्यान से समझना, तो यू की वैल्यू पहले यहाँ देख लो, यू कितना है बताओ, यू कितना है, जितनी हाइट पे यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है कितनी हाइट पे है, 20 पे, तो यू सॉरी 25 माइनस 5 पे, तो यू हो गया 5 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, माइनस। यस सर। अब बताओ फोकस क्या होगा, सर -20 सेंटीमीटर। तो क्या इमेज डिस्टेंस निकाल लोगे? यस सर। बताओ इमेज डिस्टेंस क्या आया, 1/v = 1/f - 1/u, चलेगा क्या? Yes, sir. Yeah, 25. तो 1/f हो गया -1/20 और 1/u हो गया +1/5, मैंने कर दिया उसी में। Yes, sir. तो ये हो गया बच्चे 1/5 - 1/20, तो ये हो जाएगा 20 - 5 = 15/100, तो 1/v हो जाएगा 15/100, चलेगा क्या? Yes, sir. तो ये हो जाएगा v = हो जाएगा 100/15, 100/15 मतलब 20/3 सेंटीमीटर। यस सर। अब ये 20/3 सेंटीमीटर पे बना, कितने पे? 20/3 पर। कहां से 20/3 से 3 पे, यहां से नीचे 20/3 पे, ध्यान से समझना इन चीजों को, इसी पे एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, यहां से बना 20/3 पे, यहां से 20/3 मतलब कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसको पड़े, उसको दिखाई देगा जो यहाँ पे होगा, उसको ऑब्जेक्ट इतनी नीचे दिखाई देगा, ये हो गया डिस्टेंस 20/3 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया कि इतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जर्वर अगर प्लेन पानी के जस्ट ऊपर देख रहा है तो बताओ ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस हो गई, 5 + 20/3 = 35 अगर यही इमेज यहां बनती तो 5 में से ये वाला माइनस हो जाता, और यही इमेज यहां बन रही है तो 5 में वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब जो जो डिस्टेंस है यहां से इस ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा पता कि ये डिस्टेंस हो गई कितनी, 35/3, 5 + 20/3, तो ये हो जाएगा आपका 35/3, ठीक है।
अब चूंकि आप यहां से देख रहे हो तो इसका रिफ्रेक्शन, चूंकि यहां वाटर है तो वाटर में शिफ्ट होगी ऑब्जेक्ट, तो वाटर में जब ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा, चूंकि जिस डेप्थ पे होगा वो उस डेप्थ पे दिखाई नहीं देगा, उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा कहीं पे, yes, तो वो कितना ऊपर दिखाई देगा, कितना ऊपर दिखाई देगा इस सरफेस से, उसी को कहते हैं अपरेंट डेप्थ। तो yes, आपको निकालना है एक्चुअल में अपरेंट डेप्थ। यस सर। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला देखो, अपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला, सॉरी देखो ये फॉर्मूला अपरेंट डेप्थ का क्या है, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला देखो, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव मतलब रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यस सर। अब देखो डी कौन सा डी हो जाएगा, ये जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट का, कौन सा डेप्थ ऑब्जेक्ट का, जो यहाँ आपके लिए यहाँ वो ऑब्जेक्ट है उसका डेप्थ, तो बताओ उसका डेप्थ कितना हो गया यहाँ से, 35/3। तो मेरे बच्चे देखो ये हो गया शिफ्ट, सॉरी अपरेंट डेप्थ, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। अब देखो डी कितना है, 35/3। म्यू रिलेटिव आप ध्यान से समझना, म्यू रिलेटिव मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव क्या है, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है किसके रेस्पेक्ट में, किसको देख रहे हो, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वाटर में है, आप कहाँ से देख रहे हो, एयर से, तो वाटर में ऑब्जेक्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, कि एयर से आप वाटर में देख रहे हो, तो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर से, तो यहाँ लिखोगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दैट इज रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अगर वही ऑब्जेक्ट एयर में होता तो आप लिखते म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, किसके रेस्पेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा मेरे बच्चे, देख वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, एयर का कितना है 1, तो ये हो गया 4/3। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 35/3 डिवाइडेड बाई 4/3, पी थ्री को खा गया तो कितना बचा 35/4, 35/4 मतलब कितना हो गया 8.75, 4 × 7 = 28, 2 × 30, 4 × 5 = 20, 8.75 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 8.8 सेंटीमीटर। नहीं आई बात समझ में? यस सर। कुछ समझ में आया? यस सर। इसमें आपको करना सिर्फ क्या है, आपको निकालना है कि वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कहाँ देगा, अगर मिरर के साथ में है रखा हुआ, पानी मिरर सब साथ में है, तो आपको सिर्फ ये निकालना है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी उस इमेज को हमको देखना है बस। नहीं आई बात समझ? यस सर। ठीक है, उसको देखना है हमको कि वो कहाँ पे है। अब देखो अगले क्वेश्चन में इसी को उल्टा कर दिया, अगला क्वेश्चन लिखो, देखो कैसे उल्टा किया है, और वो पूछा 2005 में, ये समझ में आया आपको? यस सर। अब लिखो उल्टा क्वेश्चन इसका, ए कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर, ए कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर Yes, sir. Water. Refractive index लिख लो उसका ब्रैकेट में, म्यू इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अप टू ए हाइट ऑफ 33.25 सेंटीमीटर, अप टू ए हाइट ऑफ 33.25 सेंटीमीटर। A concave mirror is placed
The concave mirror is placed 15 centimeter above the water level. Yes, sir. And the image of an object, And the image of the object placed at the bottom is 25 centimeter below the water level. 25 centimeter below the water level. Hi. Sir, is formed above the water level. Okay, sir. The focal length of the mirror is. मिरर का फोकल लेंथ पूछ रहा है आपसे. ऑप्शन ले लो 10, 15, 20, 25. फिगर में बना देता हूं. ये टैंक है. अभी मिरर यहां रखा हुआ है, देखो. ठीक है, और ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है. कहाँ से ये हाइट है जितना लेवल तक है? ये 33.25 और इसके ऊपर ये जो हाइट है ये है 15 सेंटीमीटर. इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी है? वो बनी है यहां पे, यहां पे. और इसी की हाइट वो कह रहा है कि इस लेवल से 15-25 सेंटीमीटर है. ये इमेज है, ये इमेज है, इसकी इमेज है 25 सेंटीमीटर पे. सर इसका ऑप्शन सी आ रहा है. ऑप्शन सी आ तो रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश. फोकल लेंथ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है. रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया ही नहीं तो फोकल लेंथ तो पता ही चल जाएगा. सर डन कर दिया. हाँ सर, मेरा 20 सेंटीमीटर आ रही है फोकल. हाँ ये है 2005 में पूछा गया क्वेश्चन. सो 19 सेंटीमीटर. 19 ऑप्शन नहीं है बेटा इसमें. तुमने वो ना क्या किया होगा, थोड़ा ना कैलकुलेशन में गलती नहीं है, वो उसकी वैल्यू थोड़ी ना रखी होगी अलग. देखो इसकी इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पे. कहां पे? 25 सेंटीमीटर. कहां, किस में? 25 सेंटीमीटर पे, शीशे में. मतलब इमेज की डिस्टेंस अगर मिरर से देखोगे तो कितनी हो गई बताओ? -40. अरे हुई कि नहीं हुई? अरे इस यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 25 और प्लस 15 हो जाएगी ना. तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा पहले तो ये देख लो. अब यहां इमेज नहीं निकालना, इमेज उसने बता दिया. पिछले वाले में इमेज निकालना था आपको कि इमेज कहां बनेगी. ऑब्जेक्ट दिया हुआ था.
अभी यहाँ ये आपसे कह रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा ये देख लो, तो ऑब्जेक्ट उसके अपरेंट डेप्थ पे होगा कि नहीं होगा, पे किसकी इमेज बनेगी, जो ये ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनेगी, किसमें, मिरर में। तो पहले ये देख लो कि ये ऑब्जेक्ट की पानी में कहाँ इमेज बन रही है, नहीं आई बात समझ में, तो इस ऑब्जेक्ट की पानी में इमेज जो बनेगी वो अपरेंट डेप्थ पे बनेगी। अच्छा ये जो इमेज दी हुई है ये एक्चुअल इमेज है या फिर जो है मिरर में जो इमेज बनी है वो है? सर एक्चुअल इमेज, ये मिरर में जो इमेज बनी है वो है। ओके सर, नहीं आई बात समझ, सर आ गया। फिर से समझो ऐसे ना, ऐसे बिना कंसेप्ट के आप, हो सकता है कि आंसर आप सही कर लेंगे लेकिन बिना कंसेप्ट के अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो अगले वाले में फंस जाओगे। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, इस ऑब्जेक्ट की मिरर में जो इमेज बनी वो यहां पे है, मतलब मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है ओके। अब देखो इस ऑब्जेक्ट की पानी में जो इमेज होगी जो हमको दिखाई देगी वो कहां पे होगी, वो अपने अपरेंट डेप्थ पे होगी, किस पे होगी, वो अपरेंट डेप्थ पे। तो पहले अपरेंट डेप्थ निकाल लो इसकी, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव, यही तो, यस सर, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव, डी कितना, कितनी डेप्थ नीचे है ये, 33.25 डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव मतलब किसमें, कहां से देख रहे हो, एयर से किसमें, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का, यस सर, तो ये हो जाएगा म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू एयर, 25 सेंटीमीटर, कितना रहा बच्चे, 25 सेंटीमीटर, नहीं ऑप्शन सी सही है, नहीं सर वो जो कैलकुलेशन है डी डैश की, अच्छा डी डैश की कैलकुलेशन, देखो तो ये जाएगा 33.25 इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, और एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा कि नहीं बताओ, यस सर, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो बनेगा क्या यहाँ पे, ये बन जाएगा डी डैश की वैल्यू, ये हो जाएगा 33.25 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये देखो ये 99.75 होगा अप्रोक्सीमेटली, कितना मान सकते हो इसको, 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना, 25 सेंटीमीटर, यस सर, तो जो अपरेंट डेप्थ हो गई बच्चे, अपरेंट डेप्थ हो गई 25 सेंटीमीटर, और इसी अपरेंट डेप्थ पे वो ऑब्जेक्ट होगा, यस सर, और उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको कहां दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट आपको 25 सेंटीमीटर मतलब यहां से 25 सेंटीमीटर मतलब यहां पे दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट, यस सर, यही तो, ठीक है। ओके अब बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो 25 सेंटीमीटर पे है, ठीक है कोई दिक्कत तो है नहीं, यहां से ये हो गया यहां से ये हो गया, ठीक है तो फोकल लेंथ निकाल लो, अब क्या हो जाएगा फोकल लेंथ बोलो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा भाई, चलो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं,
क्या होगा फोकल लेंथ का फॉर्मूला, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है सर। ये हो जाएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई यू वी इंटू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, ठीक है। u की वैल्यू हो गई कितनी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 25, यस सर, इंटू इमेज कितनी डिस्टेंस पे हो गई 40 पे, डिवाइडेड बाई 40 प्लस 25, यही तो, ये कितना हो जाएगा, गलत कर रहे हैं क्या कुछ, की डिस्टेंस पता है कितनी आ रही है, 33.8 आ रही है, v इज इक्वल टू, अरे नहीं ये गलत है ना, अरे सॉरी सर, v इज इक्वल टू, अरे गलत है, रुक जा, गलत क्यों है, रुक जा बता रहा हूँ मैं, ये देखो गलत इसलिए बच्चे क्योंकि ये तो हो गई 25 यहां से, ठीक, तो यहां से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 40 ना, यस सर, यहां से ये लेवल से ये 25 है, तो यहां से कितनी हो जाएगी 40, कहने का मतलब है कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है, इसका मतलब है कि शीशे पे या मिरर पे जब इमेज, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बने, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन फ्रंट ऑफ मिरर तो है, लेकिन प्ले उस पोजीशन क्या है उसकी, इन्वर्टेड पोजीशन पूछ रहा हूं मैं, अच्छा पोजीशन है, अरे ऑब्जेक्ट की इमेज अगर वहीं बने जहां ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज बन रही है तो फोकस कितना होगा, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो फोकस कितना होगा उसका, तो निकालेंगे ना सर, रेडियस डिवाइडेड बाय 2, यस सर, अरे यार भूल गई सब, देखो बच्चे जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह बन रहा है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो कहने का मतलब है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना डिस्टेंस पे हो गया, 40 सेंटीमीटर पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर पे हो गया तो उसका फोकस कितना हो जाएगा, मारो मारो बस डंडा मारो तुम लोगों को बस, 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40 ये तो होगा पता नहीं आया कि नहीं आया, यस मुस्कान समझ में आया बेटे, यस सर, आप देखो उसी प्रॉब्लम को इसने उल्टा कर दिया था कि नहीं बताओ, यस मिरर को ऊपर, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये चीज पता हो कि एक्चुअल में उसकी इमेज या वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो यही मेनली इसमें करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना है, मेनली इसमें यही करना है आपको, ढूंढना यह है कि वो ऑब्जेक्ट है कहां पे, और ऑब्जेक्ट अपना हमेशा कहां पे होगा, अपरेंट डेप्थ पे होगा, अगर मिरर नीचे है तो इमेज पे होगा, अपरेंट डेप्थ की निकाल लोगे, इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो अपरेंट डेप्थ हो जाएगा, और मिरर अगर ऊपर है
तो जो उसकी जो उसका इमेज बनेगा पानी में वो उसकी अपर एंड डेप्थ हो जाएगी, और अपर एंड डेप्थ से उसकी डिस्टेंस मतलब वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। तो कहने का मतलब है घुमा फिरा के चाहे जैसे कान पकड़ो, पकड़ना कान को ही है, मतलब आपको पकड़ना अपर एंड डेप्थ को ही है, किसको पकड़ना है अपर एंड डेप्थ, और अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। Yes, ये अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ना एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी में देते नहीं ना, जैसे बोलते हैं कि आप तो एग्जाम्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन उसमें इतना सारा नहीं होता। तो लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं? यस सर, नहीं है ये। देखोगे कहीं ना खोज के छोटा सा मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होगा एनसीईआरटी में। सर एनसीईआरटी में ये 12th में तो सिर्फ मिरर के बारे में बता ही नहीं रखा ना। अच्छा, उसमें तो डायरेक्ट है ना सर, मतलब थोड़ा सा पार्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद सीधा रिफ्लेक्शन है। चलो ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं बच्चे। लिखो रिफ्रेक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्लैब। सर आपने TIR करा दिया? अभी नहीं, आज शुरू करूंगा, बस तुरंत इसके बाद ही है TIR। रिफ्रेक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब क्वेश्चन पूछा गया एक बार IIT में, इसलिए मैं इस पर सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूँ। कंपोजिट स्लैब, रिफ्रेक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब, या आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो रिफ्रेक्शन थ्रू Yes, sir. A number of parallel media. Refraction through a number of parallel media. Yes, sir. Number of parallel media. Parallel media. As seen from a medium of refractive index mu naught. A medium of refractive index mu naught. कई सारे मीडियम है, देखो इधर, कहने का मतलब ये है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये कई सारे मीडियम है, डैश 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 कर दो, ठीक है। यहां ऑब्जर्वर है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू नॉट, और यहां आपका ऑब्जेक्ट है, मान ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देख रहा है, इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, इसकी थिकनेस है T3, और यहां जो मीडियम है उसकी थिकनेस है TN, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब देखो ऑब्जर्वर आपका यहां है, यहां ऑब्जर्वर है और यहां आपका ऑब्जेक्ट है। इस T1 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस T2 का μ2 है, इस T3 का μ3 है और इस TN का μn है, ठीक है। नंबर ऑफ मीडियम्स है, मान लो 1, ये मीडियम हो गया 1, तो कितने मीडियम है यहाँ पे सर? तो मतलब n मीडियम्स है, nth मीडियम, n मीडियम, n मीडियम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपरेंट डेप्थ क्या होगी इस ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की, तो निकाल सकते हो क्या अपर एंड डेप्थ? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अपर एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द अपर एंड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो अपर एंड डेप्थ आपका ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा बच्चे? अपर एंड डेप्थ ऑब्जेक्ट का हो जाएगा भैया, यहाँ मान लो एक मीडियम है, तो एक मीडियम के लिए अपर एंड डेप्थ क्या होता है? D / μ रिलेटिव, यस सर, वो हो जाएंगे। तो
इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए जो अपरेंट डेप्थ पे ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा वो? टी एन अपॉन यू एन, मतलब म्यू एन। नहीं, मेरी बात नहीं समझ। एक मीडियम है, यस सर, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, तो उसका ऑब्जेक्ट का अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा? यस भाई, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? अपरेंट डेप्थ पे। यस सर। अपरेंट डेप्थ पे जो इमेज होगी इसकी, वो होगी डी अपॉन म्यू रिलेटिव। यस सर। इस वाले के लिए जो इमेज होगी, ये दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इस वाले के लिए जो इमेज होगी वो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा? यस। इस वाले के लिए जो इमेज होगी वो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी इमेज इसके लिए है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आप बात को समझो, इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल अपरेंट डेप्थ होगा वो क्या होगा? फाइनल अपरेंट डेप्थ लिख लो, अपरेंट डेप्थ इस ऑब्जर्वर के लिए उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ये पहली वाली थिकनेस डिवाइडेड बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसके रेस्पेक्ट में? वाटर अपॉन एयर। इसके रेस्पेक्ट में एयर की। Yes. पर एयर के रेस्पेक्ट में इसकी, ठीक? नहीं आई बात समझ? सर ठीक है, बात को समझना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है बच्चे, और अगर आप बनाने चलोगे बन तो जाएगा, लेकिन फिर सब्जेक्टिव हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं अभी। तो देखो, हो जाएगा टी वन अपॉन म्यू वन रिलेटिव प्लस दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? टी टू अपॉन म्यू टू रिलेटिव। तीसरे वाले के लिए टी थ्री अपॉन म्यू थ्री रिलेटिव। और ऐसे ही एनएफ है तो टी एन अपॉन म्यू एन रिलेटिव। ये लगा नहीं तुम्हें आया? सर आ गया, ठीक है। तो इस बात को लिखो, ये अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है, ठीक है, अपरेंट डेप्थ। ये उतार लिया आपने? यस सर उतार लिया। फटाफट करो बच्चे, फटाफट ये समझाओ। बहुत ना ये सब एक्चुअली टॉपिक आपके एनसीईआरटी में एक लाइन में होगा। Yes. है जरूर, लेकिन एक लाइन में होगा। ओके सर। उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो, म्यू वन रिलेटिव, म्यू टू रिलेटिव, म्यू थ्री रिलेटिव लिख लो क्या है। अब ये सब, ये टी वन टी टू टी थ्री तो आपको पता ही है। यस सर। तो म्यू वन रिलेटिव, म्यू टू रिलेटिव लिखो क्या है। म्यू वन रिलेटिव क्या है भाई? म्यू वन रिलेटिव है किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ये स्लैब वन की, स्लैब वन, स्लैब टू, स्लैब थ्री, स्लैब एन, स्लैब वन की किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब वन डिवाइडेड बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब वन दैट इज म्यू वन डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू नॉट। ऑब्जर्वर कहां पे है? यही बात म्यू टू के लिए अप्लाई होगी। म्यू टू रिलेटिव क्या हो जाएगा? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब टू डिवाइडेड बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, चूंकि ऑब्जर्वर देख रहा है इसको। ऐसे ही म्यू थ्री लिखोगे, म्यू थ्री रिलेटिव क्या होगा? म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ऐसे ही म्यू एन लिखोगे, म्यू एन रिलेटिव, म्यू एन रिलेटिव क्या हो जाएगा? म्यू एन डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। नंबर ऑफ स्लैब्स अगर कहीं लगे हुए हैं और ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कहीं दूसरी तरफ है, ऑब्जर्वर कहीं दूसरी तरफ है, और आपको अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला जो नीले कलर में है, सॉरी हरे कलर में है।
ठीक है ये बात, ठीक है। ठीक है बच्चे, लिख लिया अपरेंडिव। शिफ्ट लिखो, शिफ्ट, शिफ्ट क्या हो जाएगा इस वाले के लिए? शिफ्ट इस वाले के लिए, 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 शिफ्ट। तो टोटल शिफ्ट हो जाएगा इस ऑब्जर्वर के लिए, टोटल शिफ्ट जो हो जाएगा, पहले वाले का शिफ्ट प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का प्लस चौथे वाले का प्लस एनथ वाले का। तो लिखो शिफ्ट, शिफ्ट लिखो, शिफ्ट हो जाएगा बच्चे पहले वाले का शिफ्ट, शिफ्ट वन प्लस शिफ्ट टू प्लस शिफ्ट थ्री डैश डैश प्लस शिफ्ट एन एन। तो शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट होता है वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप थे नहीं ना उस समय, जो है पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, और उस दिन हमने पढ़ा दिया था, घूम नहीं रहे थे। मैं देखो बता देता हूँ फटफट, देख लो छोटा सा, ये ग्लास है, यस सर, इसमें ये ना क्वाइन है, आज डाल के देखना ग्लास में क्वाइन, यस सर, एक ग्लास हो उसमें क्वाइन डालना और पानी से भर देना उसे। आप देखोगे कि ये वाला क्वाइन यहां से जब आप देखोगे ऊपर से, तो ये वाला क्वाइन आपको यहां नहीं, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा यहाँ पे, यस सर। ये जो डेप्थ है ग्लास के सरफेस से, पानी के सरफेस से, इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट की ग्लास के सरफेस से ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है उसको कहते हैं एक्चुअल डेप्थ। ओके सर, ठीक है। और ये जो आपको उठा हुआ प्रतीत होता है इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ, जो आपको उठा हुआ प्रतीत होता है, मतलब जो आपको दिखाई देता है उसे कहते हैं अपरेंट डेप्थ। और ये कितना ऊपर गया, दैट इज शिफ्ट। ओके सर, ठीक है, यस सर। मान लो 30 सेंटीमीटर नीचे वो ऑब्जेक्ट था, ग्लास का मान लो हाइट, ग्लास मतलब पूरा पानी से भरा हुआ है, मान लो ग्लास की पेंदी पे अगर वो सिक्का रखा हुआ है, और ग्लास अगर मान लो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का ग्लास बड़ा है तो, और पूरा भरा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? 15 सेंटीमीटर नीचे होगा, यस सर। लेकिन आपको दिखाई कितने सेंटीमीटर पे दे रहा है? 10 सेंटीमीटर पे मान लो। ओके सर, तो कितना शिफ्ट हुआ? 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा, मतलब वो उतना डिस्टेंस पर है सर। आपको दिखाई दे, जैसे ग्लास में ना, ग्लास के, ग्लास में पानी भरा हो बच्चे, और उसमें आप देखो ना एक ऐसा पेंसिल रख दो, पेंसिल ऐसा थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखती है, तो पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। हाँ सर, थोड़ी क्या दिखाई देती है? टेढ़ी, टेढ़ी दिखाई देती है पेंसिल, ऐसे दिखाई देती है, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी सी, ऐसे, ठीक है, यस सर। ये कितना उठ गई, दैट इज शिफ्ट, वही शिफ्ट की बात कर रहे हैं। ओके सर, तो हर स्लैब से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो वही कितना शिफ्ट होगा, दैट इज द टोटल शिफ्ट। तो आप देखो ध्यान से, टोटल शिफ्ट क्या होगा ये, अगर आप देखो शिफ्ट क्या होगी, शिफ्ट होगी जो एक्चुअल डेप्थ है और जो अपरेंट डेप्थ है, जो एक्चुअल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को क्या कर दो, यस सर, क्या कर दो, माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालनी है ना आपको, माइनस शिफ्ट आ जाएगी। एक्चुअल में से अपरेंट को क्या कर दो, माइनस, वो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस कर दो, शिफ्ट मिल जाएगा ना, यस सर। तो अब यहाँ देखो, तो शिफ्ट क्या हो जाएगा भाई, एक्चुअल में से अपरेंट को माइनस कर दो, तो एक्चुअल आपका कितना है पहले वाले के लिए, टी वन, यस सर, और अपरेंट कितना आया है, टी वन डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव वन, नहीं आया सर, आ गया, प्लस दूसरे वाले का टी टू
माइनस टी टू डिवाइडेड बाई म्यू रिलेटिव टू प्लस डैश डैश टी एन माइनस टी एन डिवाइडेड बाई म्यू रिलेट म्यू एन रिलेटिव चलेगा समझ आया yes, ये हो जाएगा टी वन को बाहर ले लो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन म्यू वन रिलेटिव रिलेटिव वाला और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जरूर याद रखना रिलेटिव वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जरूर याद रखना ये हो गया चले शिफ्ट पता चल गया टोटल शिफ्ट कितना होगा यस सर चल गया पता मतलब कहने का क्या है कि टोटल थिकनेस में से जितनी स्लैब की थिकनेस है टोटल थिकनेस में से टोटल अपरेंट डेप्थ को क्या कर दो माइनस माइनस शिफ्ट निकल जाएगा नहीं आई बात सुन सर आ गई देखो यहां से निकालोगे तो ये टी वन ये देखो ये ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन हो जाएगा और माइनस बाहर ले लो तो हो जाएगा टी वन अपॉन म्यू रिलेटिव वन प्लस टी टू अपॉन म्यू रिलेटिव टू प्लस टी थ्री अपॉन म्यू रिलेटिव थ्री प्लस टी एन अपॉन म्यू रिलेटिव एन हो जाएगा तो ये वाला क्या है T1 plus T2 plus T3 plus Tn upon mu relative क्या है ये तो है apparent depth और ये क्या है yes sir अब total thickness में से yes, sir. जो apparent depth है उसे माइनस कर दो shift निकल जाए yes sir ठीक है चल आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो इस पे फटाफट देखो एक ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये 15 सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर ये 15 सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ठीक है फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बिलो सरफेस ए बी Find the apparent depth. Sir. Find the apparent depth of the observer. Sorry, find the apparent depth of the object seen below surface AB. ये surface AB है, ये surface CD है, और यहाँ object है. इसका refractive index 2 है, इसका refractive index 1.5 है, और इसका refractive index 1.8 है. ठीक है चलो आप बताओ मुझे ऑब्जर्वर वहां पे है ठीक है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऑब्जर्वर किस मीडियम में है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.8 है ठीक है आपने बताना है कि ये बताइए इसका सिर्फ इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा अपरेंट डेप्थ निकाल लो क्या हो जाएगा भाई अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू इसका थिकनेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स प्लस इसका थिकनेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं आया समझ यही तो है सर आ गया तो देखो पहले वाले का थिकनेस कितना है 15 डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर आपका 1.8 में है और ऑब्जेक्ट आपका अभी जो मीडियम है जिस मीडियम में आप ट्रेवल कर रहे हो वो 1.5 है तो कौन पहले होगा किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसकी मीडियम वन की ये मीडियम वन हो गया ये मीडियम टू हो गया तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप मतलब 1.8 के रेस्पेक्ट में आप 1.5 की बात करो तो कौन ऊपर होगा 1.5
यस 1.5, तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 1.8, इस बात को दिमाग में रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लस दूसरा बताओ, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.8, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। यस क्लियर है? तो बच्चे ये बता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 into 1.8 divided by 1.5 plus 20 into 1.8 divided by 2, ये 1.5 टेंजा, 2 टेंजा, 18 दुना 36, मुझे लगा 36 सेंटीमीटर अपर एंड डेप्थ, कितना 36 सेंटीमीटर अपर एंड डेप्थ, ठीक है। अच्छा 36 कैसे आया जबकि डेप्थ 35 ही है, कोई आंसर बता सकता है इसका? वीर, बहादुर, इंटेलिजेंट, अनन्या, मुस्कान, दिव्यांशु, कोमल, शालिनी, भावना, कोई है? सर क्योंकि मीडियम का इफेक्ट भी पड़ेगा ना उसपे। मीडियम, किस मीडियम का इफेक्ट पड़ रहा है जिससे ये बढ़ गया? सर चेंज, हर मीडियम, इस वाले मीडियम का चेंज है ना? नहीं नहीं, अगर आप जहां से देख रहे हो, ध्यान से समझना, ये सब सोचने वाली बातें हैं, सोच लोगे तो फिजिक्स कुछ नहीं होता, सिर्फ सोचने के ही ऊपर होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां से देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस सर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, yes, मतलब sir. आप जहां बैठे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, बड़ा है, तब तो वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ना कम डिस्टेंस पे दिखाई देगा। यस सर। और अगर उसका डिस्टेंस कम है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और आप जहां बैठे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वो दूर दिखाई देगा। यस सर। तो देखो इस 1.8 के रेस्पेक्ट में, इस 1.8 के रेस्पेक्ट में 1.5 कम की ज्यादा? यस सर, कम कम होगा। इसकी वजह से, अगर सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रिफ्रैक्ट, इसके लिए निकालोगे ना, इसके लिए अगर ऑब्जर्व, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालोगे या ऑब्जेक्ट की इमेज निकालोगे, तो वो हमेशा बड़ी आएगी, मतलब 1.5 से ज्यादा आएगी, और 20 के लिए कम आएगी। तो ये वाला ज्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, तो डोमिनेट कर गया ये वाला, इसकी वजह से ये 36 आया। ठीक है, चलो ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, आगे चलें। अब इस पे क्वेश्चंस बना लोगे? यस सर। लिखो आप TIR, इंपॉर्टेंट है बहुत, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और IIT से भी। लिखो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, परावर्तित होना, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक फिनोमिना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना, फिनोमिना है ये, यह तभी पॉसिबल है
जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो या रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रेवल करे. यस सर. व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन डिस्टेंस टू रेयरर मीडियम, पहला कंडीशन इसका ये है, TIR तभी एप्लीकेबल है, तभी होगा जब जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से ट्रेवल करे, डेंसर से किधर की तरफ, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन. अब कहोगे कि सर डेंसर से जब लाइट रेयरर की तरफ चलती है, डेंसर से रेयरर की तरफ चलती है, तो आपने बताया था कि लाइट जो है जब डेंसर से रेयरर की तरफ चलेगी तो आपने बताया था सर कि नॉर्मल से वो दूर भागती है. बिल्कुल सही भागती है. यस सर. जब वो डेंसर मीडियम से, ये आपका मान लो क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरफेरेंस, सॉरी दिस इज इंटरफेस. ये क्या है आपका? इंटरफेस है. ये क्या है? इंटरफेस. अब देख बच्चे, मान ले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, मान लो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे. अब इस लाइट से कोई, अगर हम यहाँ रिफ्रेक्शन देखें इसका, इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P है और यहाँ कोई पॉइंट Q है, यहाँ कोई पॉइंट Q है, यहाँ कोई R है और यहाँ कोई S पॉइंट है. ठीक है, तीन चार जगह देख रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं सिर्फ आज यही समझाऊंगा आपको और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए ध्यान से सीख. अब देखो, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट चली. अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर लाइट ना इंसिडेंट हो रही है और ये पॉइंट जस्ट इसके ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर है. तो क्या होगी भाई, ये लाइट यहां से चली, रे ऑफ लाइट चली और सीधी निकल जाएगी. निकल जाएगी कि नहीं बताओ? यस सर. क्यों निकल जाएगी? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉर्मल. यस सर. अगर लाइट गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे और दोनों जीरो होंगे, इसलिए जीरो. इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू डब्ल्यू है, म्यू डब्ल्यू या म्यू है, सपोज म्यू है या म्यू एम, मान लो म्यू मीडियम है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू टू कर लो, है म्यू डब्ल्यू करेगी, म्यू वन कर ले भैया, यही कर ले. चलो ये हो गया म्यू टू और ये हो गया म्यू वन. कंडीशन इज दैट कि म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन. म्यू वन. यस सर. अब देखो, मान ले कि ये लाइट हमने इंसिडेंट कराया क्यू पे, तो ये हो गया क्यू पे नॉर्मल. ठीक. अब यहां से एक लाइट इस पे गिरी, तो वो गिर के बच्चे ऐसे गिरी, यहां से चली ऐसे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट किसका, क्यू का. तो इसे हमने लिख दिया आई क्यू, चलेगा? यस सर. और ये गिर के ऐसे, चूंकि रेयरर मीडियम डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो लाइट झुकेगी, ऐसे झुक गई, ये हो गया आर क्यू, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब यस सर, एक इस पॉइंट आर पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ नॉर्मल, यहाँ देखो आर पे गई है, सॉरी ये है आई आर, ये yes, अब देखो यहाँ आई आर बढ़ गया. यस सर. तो जो रिफ्रेक्शन है, रिफ्रेक्शन का एंगल और बढ़ जाएगा. यस सर, बढ़ जाएगा.
थोड़ा लाइट ऐसे हो गई है, ऐसे टिल्ट हो जाएगी थोड़ा और। आर आर यस सर। मान लो एस पे गिरी, ये हो गया उसका नॉर्मल। यस सर। ये हो गया आर एस। अब यहाँ जो लाइट है ना वो देखो बेंड हो जाएगी और बेंड हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी। यस सर। ऐसे हो मतलब जहां रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। वहां क्रिटिकल एंगल हो जाता है। जहां रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया, अब देखा गया कि उसके बाद अगर कोई रे यहाँ गिरती है, यस सर, तो वो सेम मीडियम में घर ना जाके उसी मीडियम में वापस लौट आती है। यस सर, सेम मीडियम में हो जाती है। क्लियर है? तो इस फिनोमेना को कि जब लाइट जिस मीडियम में चले, जिस मीडियम से चले और वापस उसी मीडियम में आ जाए, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस सर। जिस मीडियम से चले उसी मीडियम में वापस आ जाए, उससे बोलते वापस आ जाए, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट परावर्तित हो गई, ठीक है, लाइट का परावर्तन हो गया, परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो जिस एंगल के बाद यह फिनोमेना शुरू हुआ, इस पॉइंट के बाद, अगर एस पॉइंट के बाद कोई और ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे, मतलब और कोई पॉइंट लेते, सपोज करो यहाँ हमने ले लिया एक पॉइंट, और मान ले बच्चे की एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ, सपोज जस्ट इसके बाद एस टी ले लिया, मान लो टी वो पॉइंट ले लिया टी। अब हम यहाँ से लाइट अगर उस टी पॉइंट पे गिरा रहे हैं, देखो यहाँ से, तो ये नॉर्मल हो गया उस टी पॉइंट का, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये लाइट यहाँ से गिरा रहे हैं टी पॉइंट से ऐसे, तो ये देखो लाइट ऐसे चली आएगी, तो यहाँ जो एंगल ऑफ आई टी होगा ना वो आर टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ये फिगर बना लेना, ये इम्पोर्टेंट। यस सर। इस एंगल पे तो ये हो गया, ये परावर्तन हो गया, तो जिस एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। लिखो। यस सर। लिखो। जिस एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, yes, या रिफ्रैक्शन पैरेलल टू इंटरफेस हो जाए, उस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर सर सेम मीडियम में होंगे तब भी वो आई क्रिटिकल एंगल ही होगा ना? लिखो क्रिटिकल एंगल, नहीं तब वो क्रिटिकल एंगल नहीं होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है उसके बाद अगर आप लाइट को कहीं पे इंसिडेंट कराते हैं, उस रीजन के बाद, उस पॉइंट के बाद लाइट आप कहीं पे इंसिडेंट कराते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ठीक है? यस सर। लिखो क्रिटिकल एंगल, इसको डिनोट करते हैं सी से, आई सी, सी या आई सी जो भी कह लो आप, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं इसे, या आई सी कह लो, चलो इसकी इच्छा है आई सी कहने की, आई सी ही कह लो, आईसी। तो आईसी कैसे निकालेंगे, देखो आईसी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। यस सर। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिस मीडियम से चाप चल रहा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू दूसरे वाले में गए उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट मीडियम। यस सर। देखो तो इस मीडियम से गए किससे गए, म्यू टू से, तो म्यू टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, ये वाला दैट इज आर एस, या आप इसे कह सकते हो आई सी, ठीक, इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर सी, या 90 हो जाएगा ना ये। यस सर।
90. अब देखो ये हो जाएगा आपका म्यू टू साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू वन साइन 90 की वैल्यू वन. साइन आई सी हो जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू टू. साइन आई सी हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू या आई सी हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू रिलेटिव. ठीक है. ठीक है. साइन आई सी हो जाएगा या आई सी हो जाएगा आई सी हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू कह लो रिलेटिव. यस सर. वन अपॉन म्यू. ठीक है सर. डन. टी आई आर के लिए फॉर टी आई आर इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी. फॉर टी आई आर लिख लो. फॉर टी आई आर इंसिडेंट एंगल फॉर टी आई आर इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी. टी आई आर के लिए इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन आई सी होगा. ग्रेटर देन आई सी होगा. अब देखो यहां ध्यान से देखना. ये तो ये हो गया टी आई आर में और कुछ नहीं बचा अब. ठीक है. ठीक है. अब देखो इधर यहां से लेके ये पॉइंट से लेके जहां आईसी है मतलब क्रिटिकल एंगल है या क्रिटिकल पॉइंट है वहां से लेके आप यहां जो नॉर्मल आपने डाला है ये एक बनाता है रेडियस. ये देखो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस. अब यही डिस्टेंस अगर सेंटर में पानी के है वो ऑब्जेक्ट तो यही डिस्टेंस आपको इधर भी मिलेगी. मिलेगी कि नहीं बताओ. नहीं आई बात समझ में. यस सर मिलेगी. मैं फिर से समझाता हूँ. इधर देखो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पानी में ये है वाटर और ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे और वो यहाँ क्रिटिकल एंगल. ठीक है. और उसके पीछे इधर तो ये वाला जो ये हो गया इसका नॉर्मल सर. नॉर्मल देखो यहां से लेके ये डिस्टेंस और उसके पीछे इसके आगे मतलब चारों तरफ उसके डिस्टेंस क्या होगी बराबर होगी. ठीक है. अब ये देखो ये डिस्टेंस एक सर्कल बनाता है. ये देखो ये सर्कल इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी यस सर कहीं पे भी कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्रेक्ट होगी कि रिफ्लेक्ट होगी. हाँ रिफ्रेक्ट मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी लेकिन इंटरफेस के पैरेलल नहीं होगी. ओके सर. क्रिटिकल एंगल के अंदर अगर बात कर रहे हैं तो यस सर. तो इस सर्कल के अंदर अगर आप कहीं पे भी रहेगी लाइट या आप कहीं पे भी रहोगे तो ये लाइट आपको दिखाई देगी और इस सर्कल के अगर बाहर चले गए तो आपको ये लाइट दिखाई नहीं. अरे भाई लाइट दिखाई कब देगी आपको. जब ये लाइट आएगी और आप कहीं यहाँ आंख लगाए बैठे हो और आपकी आंख पे गिरेगी तब तो दिखाई देगी. यस सर. और आप मान लो आंख यहाँ लगाए बैठे हो. ठीक. यस सर. और ये लाइट आई और यहाँ पहुंच के वो इधर चली गई तो आपकी आंखों में पड़ी क्या.
नहीं पढ़ी सर। दिखाई नहीं देगी। ये जो सर्कल है जिसके अंदर आप आंख लगा के बैठे और आपको लाइट दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, यस सर। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर आ गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ सर डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। इसके अंदर अगर आप बैठे हो, इसके अंदर अगर आपकी आंख कहीं पे है यहां से लेके यहां तक, यस सर, तो ये लाइट आपको दिखाई देगी। और इसके बाहर होगा तो लाइट दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इस लाइट का क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगी। यस सर। ठीक है। यस सर। तो कभी कभी पूछते हैं कि वो रेडियस जिस रेडियस में वो आपको दिखाई दे, और ऐसा बना के कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप आईआईटी का पेपर उठा के देखना। यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया टीआईआर। ठीक है, टीआईआर हो गया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस हो गया। ठीक है, अगर आईसी हमेशा आईसी अगर इंसिडेंट एंगल से बड़ा है तो क्या टीआईआर होगा कि नहीं होगा? पर होगा नहीं होगा, उल्टा बोल रही है। तो आईसी अगर आई इंसिडेंट एंगल से बड़ा तब है तब नहीं होगा। हमेशा क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल आईसी से। तो इस बात को नोट कर लो, दिमाग में डालो। और आईसी हमेशा 1/n होता है, एन या 1/ म्यू होता है। म्यू क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे वो चला है। यस सर। अब यहाँ दो मीडियम हो सकते हैं, जैसे ये वाटर है, दूसरा इधर कोई मीडियम और हो सकता है, जैसे आप ऑयल ले लो। क्या ले लो? ऑयल। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू टू है और इसका म्यू वन है, तो म्यू टू इज ग्रेटर देन क्या है? म्यू वन है। है कि नहीं है? सर है। है। तो यहाँ टीआईआर होगा, 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 100% होगा। तो अब आपके दिमाग में अगर यही फार्मूला है कि साइन इनवर्स 1/ म्यू होता है, तो बच्चा गड़बड़ा जाएगा फिर। yes, तो आपको याद करना पड़ेगा कि जिस मीडियम से चला उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में गया है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई जिस मीडियम से चला है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यस सर। या आप लिख सीधा कर सकते हो, कम वाले का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई ज्यादा वाले का। ठीक है, तो ये याद करने के तरीके हैं। बाकी ठीक है, कल हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक सर। दो चार प्रॉब्लम्स बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रेक्शन थ्रू ट्रांसपेरेंट स्लैब लेंस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर। चलो बाय।